यदि x इन्टू a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर प्लस y इन्टू b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर प्लस j इन्टू c वेक्टर क्रॉस a वेक्टर इज़ इक्वल टू r वेक्टर एंड हमें दिया ना ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ़ a वेक्टर vector, b वेक्टर vector, c वेक्टर इज़ 1 by 8 then x plus plus to, तो x प्लस y प्लस j इज़ इक्वल टू तो देखते हैं सबसे पहले हमें क्या दिया � रहेगा प्लस में जेड टाइम्स ऑफ सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर ओके अब क्या करता हूं मैं दोनों साइड ना इनका ट्रिपल प्रोडक्ट इसका डॉट प्रोडक्ट कर देता हूं किसके साथ में ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर प्लस सी वैक्टर के साथ में ठीक है तो दोनों साइड अगर मैं इसका डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो मीन इधर भी आ जाएगा मेरे पास में क्या ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर प्लस सी वैक्टर इसके साथ में इसके पूरे का डॉट प्रोडक्ट करूंगा है ना और इधर भी क्या जाएगा आर वैक्टर डॉट ए वैक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर हो जाएगा ठीक है अब हमें समझने की जरूरत है एक चीज हमें एक पता होनी चाहिए कि जो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है ये परपेंडिकुलर होता है किसके ए वेक्टर के एंड बी वेक्टर के सिमिलरली बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर परपेंडिकुलर होता है बी वेक्टर के सी वेक्टर के एंड सी वेक्टर के यहां से ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर जो होता है ये परपेंडिकुलर होता है ए वेक्टर के

अब अगर बी वैक्टर का करूंगा तो हमें पता है ए वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर के परपेंडिकुलर है बी वैक्टर के और बी वैक्टर क्रॉस सी वैक्टर भी परपेंडिकुलर है तो यहाँ से क्या जाएगा वैल्यू लास्ट वाले टर्म से आएगी हमारे पास जेड टाइम्स ऑफ वॉट बी वैक्टर सी वैक्टर ए वैक्टर ओके और फिर उसके बाद क्या होगा थर्ड जब मैं सी वैक्टर का करूंगा तो ए वैक्टर बी वैक्टर के साथ करने पर तो क्या जाएगा सिंपली एक्स टाइम्स ऑफ आ जाएगा हमारे पास में ए वैक्टर बी वैक्टर सी वैक्टर ओके ठीक है

ए बी सी इसी ऑर्डर में अगर हमारी सारी टर्म्स होती हैं तो क्या होता है ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू सेम होती है जैसे अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ए बी सी ऑर्डर क्या है ए बी सी है यहाँ पे है बी सी ए तो यहाँ पर भी है बी सी ए लेकिन यहाँ पे आ गया सी ए बी और यहाँ पे भी आ गया सी ए बी तो इंडायरेक्टली तीनों वैल्यूज क्या है हमारी एकदम सेम है ठीक है तो मीन्स ये सारी जो वैल्यू लिखी हुई है ट्रिपल प्रोडक्ट की ये सारी किसके इक्वल है ए वैक्टर बी वैक्टर सी वैक्टर के ट्रिपल प्रोडक्ट के इक्वल है तो यहाँ से अगर मैं इसे कॉमन लेके डिवाइड कर दूंगा तो हमारे क्या जाएगा एक्स प्लस डॉट ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर प्लस सी वैक्टर इसका डॉट प्रोडक्ट और अपॉन में जाएगा ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए वैक्टर बी वैक्टर सी वैक्टर और ये वैल्यू किस इक्वल है के इक्वल है तो ऊपर आगे कर देगा एट टाइम्स ऑफ आर वैक्टर एट टाइम्स ऑफ आर वैक्टर डॉट ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर प्लस सी वैक्टर के इक्वल So this is the answer for this question, option 3.